वेलकम टू गाइस आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड न्यूज गाइस, अब से बोल भाई आर्क सर्वाइवल के न्यूज भी लेकर के आएंगे आप सभी भाइयों के पास। तो एक बहुत ही कमाल का लेटेस्ट न्यूज लेकर के आया हूँ गाइस, एक क्रीचर के बारे में। ये क्रीचर आने वाला है गाइस आर्क के दुनिया में। तो इस क्रीचर का नाम है गाइस राइनियो नाथा, ठीक है। तो गाइस अभी ये फोटो देखो, पहले ये फोटो देखो। इस फोटो में क्लियरली आप लोग देख पा रहे हो एक बहुत बड़ा इंसेक्ट जैसा, एक बहुत बड़ा क्रीचर एक टीरेक्स को मार रहा है। लिटरली गाइस एक टीरेक्स को मार रहा है। तो आप लोग खुद से ही सोच सकते हो कि टीरेक्स कितना बड़ा है गाइस। टीरेक्स इज वेरी बिग राइट। तो यार ये इंसेक्ट जो राइनियो नाथा है, ये तो गाइस टीरेक्स से भी बड़ा होगा गाइस, है ना। तो गाइस ये आने वाला है आर्क के दुनिया में। एंड गाइस आई थिंक ये जून के महीने में हम लोग को देखने को मिलेगा। अब कौन से मैप में आएगा ये तो मुझे मालूम नहीं है, शायद से गाइस ये न्यू मैप्स में आने वाले हैं। बट चलो इसके ऊपर हम लोग थोड़ी डिटेल में जानते हैं, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो गाइस आर्क के कम्युनिटी में हम लोग रीड कर पाएंगे डिस्कवर्ड राइनियो नाथा, ए सुपर साइज क्रीचर विद अ सेट ऑफ यूनिक एबिलिटीज। एक बहुत बड़ा सुपर साइज क्रीचर होने वाला है जिसके पास यूनिक एबिलिटीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ए क्विक हार्डनिंग रेजिन, मतलब गाइस ये शायद से डायनासोर को स्टिक कर पाएंगे लाइक ग्लू, ठीक है, ग्लू करके एक ही जगह में चिपका के रख पाएंगे शायद से। टू बींग कैपेबल ऑफ कैरिंग लार्ज ऑब्जेक्ट, तो गाइस ये बड़े बड़े चीजों को भी उठा पाएगा अराउंड योर बेस। दिस वर्सेटाइल क्रीचर प्रोवाइड एन अनपैरेलल एनहेंसमेंट टू योर ट्राइड डिफेंसेस, तो गाइस ये डिफेंस में काफी बढ़िया होने वाला है। तो और भी थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में, डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इसके किताब में चलते हैं और देखते हैं गाइस किताब में क्या लिखा हुआ है, एबिलिटीज कौन कौन से है, चलो देखते हैं। ओके हम लोग आ गए हैं गाइस आर्क के किताब में। तो यहाँ पे राइनियो नाथा स्पीसीज यहाँ पे लिखा है गाइस, राइनियो नाथा क्या लिखा है, टाइम अर्ली डेवोनियन। तो गाइस ये टाइम अर्ली डेवोनियन पीरियड से डाइट ओमनिवोर, तो घास फूस भी खा लेता है गाइस, एंड गाइस डेफिनेटली गाइस सब कुछ खा सकता है। टेम्परमेंट एग्रेसिव, तो गाइस ये काफी गुस्सेला होने वाला है गाइस, ये डायरेक्ट अटैक करेगा, ये पैसिव टेम तो नहीं होने वाला है। तो गाइस चलो पढ़ते, आई स्वेयर एवरी न्यू क्रीचर आई केम अक्रॉस हियर मेक्स मी मोर श्योर दे हैव ऑल हैड देयर जेनिस टेम्पर्ड विथ, आई नो आई एम राइट अबाउट दिस, टेक दिस मॉन्स्टर बग। अच्छा ये चीज तो मेरे को मालूम पड़ गया कि गाइस ये एक मॉन्स्टर बग है, ये तो पहले ही मालूम था, बट स्टिल आई एम कॉलिंग राइनियो नाथा, ये कौन बोल रहा है पता नहीं, बिग एनफ टू हेडलाइन ए horror flick, okay, but still light enough to fly and skate across water. Wow, guys, ये चीज काफी बढ़िया होने वाला है। तो ये उड़ पाएगा, उड़ तो definitely पाएगा ही, but guys ये water के ऊपर literally ऐसे slide होकर के skate होकर के जा पाएगा। This is awesome, man. Would you believe it also makes a weirdly useful quick hardening resin with a variety of uses. अच्छा तो ये resin create कर सकता है जिसके मदद से हम लोग hard कर सकते हैं। तो चलो क्या चीज कैसे hard कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। It can thicken up its shell for a defense boost. अच्छा तो defense के लिए guys अपने shell को भी ये ठीक कर पाएगा, मतलब मजबूत कर पाएगा। Okay. Spray hard bullet like globes. अच्छा guys ये bullet like कुछ resin darts भी, darts जैसे कुछ चीज भी फेंक सकता है, ठीक है। और squirt soft gloves that harden on impact to gum up incoming predators. तो guys ये gum जैसे कुछ छोड़ेगा अपने body से, and जैसे ही वो predators जो उसको attack करने के लिए आएगा वो फेंकेगा वो चीज, वो resin जैसा gold जैसा चीज, तो वो predator जो attack करने वाला था उसको वो चिपक जाएगा, ठीक है। तो guys in one word ये काफी awesome होने वाला। तो देख सकते हो यहाँ पे एक raptor guys चिपका हुआ है, एंड ये चिपकते ही शायद से मर ही जाएगा। सो गाइस एक फोटो में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे क्रीचर्स को तो आराम से कैरी कर ही सकता है, टीरेक्स को कैरी कर ही सकता है, एंड साथ ही साथ गाइस ये मेगलाडॉन शार्क को भी कैरी कर पाएगा। एंड इसको गाइस राइनियो नाथा को द स्काई गीगा भी बोलते हैं। बट गाइस क्या ये जाइगेंटोसॉरस को भी पिक कर पाएगा, चलो इसके बारे में और जानते हैं गाइस। आई थिंक गाइस यहाँ पे आप लोग एक फोटो देख पा रहे, यहाँ पे पैरासोर के ऊपर, ठीक है, पहले तो शायद से रेजिन्स मार के इसको यार चिपका दिया गया है, एंड देन गाइस यहाँ पे छोटे छोटे बेबीज निकल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ सम पोर बीस्ट गेट्स eggs lays on it by accident, you might still be able to save it by popping it in a cryopod and freezing out the larva. अच्छा गाइस तो ये बॉडी के ऊपर भी यार एग ले कर पाएगा। तो गाइस यही था न्यूज गाइस, एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर आने वाला है। तो मैं तो यार बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ गाइस राइनियो नाथा का, क्या आप लोग इंतजार कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो कमेंट करो गाइस, ये बीस क्या गाइस जाइगेंटोसॉरस को भी मार पाएगा, ये तो हम लोग को टाइम पे ही मालूम चलेगा। चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।